भाई साहब अभी मैं हूँ जी अमृतसर के अंदर, और भाई साहब अमृतसर के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, दिन तो गर्मी का है ही और रात ना उससे ज़्यादा गर्मी है भाई। और गर्मियों के मौसम में ये चीज़ अगर आपको मिल जाए ना तो भाई मैं तो कहता हूँ दिन तो बन ही बन जाता है, उसके अलावा रात भी बन जाती है आपकी भाई। आइए चलते, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्रेपरेशन कैसी होती है, बनाया कैसे जाता है और खिलाया कैसे जाता है, कितने प्यार से खिलाया जाता है। और इसमें स्पेशल चीज़ ये रहती है ना, इसमें जो ये फ्रूट है ना ये बाहर का रहता है, और इसमें जो चीज़ डलती है ना भाई स्पेशल चीज़, वो पाजी के घर की रहती है। पाजी का ये कहना है अगर ये बाहर कहीं मिल जाए ना 250 रुपए की एक बोतल मिलेगी, ये तो पाजी 60 रुपए के अंदर दे रहे हैं ये गिलास। पाजी ऐसा क्या मिलता है आपके पास, मुझे सबने रिकमेंड किया कि भाई साहब अगर आपको कुछ कूल सी चीज पीनी है ना तो आपके पास आए, ऐसा क्या है आपके पास? हमारे पास जी है मिल्क बादाम बोतल जी, और मिल्क बादाम फ्रूट शेक है। जो फ्रूट शेक है वो खाया भी जाएगा और पिया भी जाएगा, खाया भी जाएगा और पिया भी जाएगा, पी जाएगा बिल्कुल। क्या बात है, आप हमें बना के दिखाओगे कैसे रहता है? बिल्कुल जी, बना के दिखाता हूँ। तो पाजी ये क्या रेडी करके बैठ गए आप? वीर जी ये हमारा बनेगा मिल्क बादाम फ्रूट शेक। मिल्क बादाम फ्रूट शेक बना के दिखाओ जरा आप। बिल्कुल जी बिल्कुल, सबसे पहले इसमें डालेंगे हम सेब। अच्छा सेब भी डलेगा? हाँ जी हाँ, फ्रूट नाम है तो सेब सबसे काट पहले के रखा हुआ है मैंने जी, ज्यादा टाइम ना लगे जी, इसमें सेब डलेगा पहले। और पाजी कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? सर एक महीना हो गया यहाँ पे। अच्छा ये न्यू स्टार्ट किया है? हाँ न्यू स्टार्ट। पाजी कैसे स्टार्ट किया आपने, कैसे सोचा कि भाई साहब ये लोगों को शेक पिलाना है? सोचा भी गर्मियों के दिन आ रहे हैं, कोई ठंडी चीज जी लोगों को खिलाई जाए, मिल्क बादाम बोतल तो बनानी बनानी है जी, इसके साथ थोड़ा कुछ अलग किया जाए वो फ्रूट डाल के। लोग इतनी इतनी गर्मी में बड़ी बड़ी ड्रिंक पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं जी, तो उससे बड़ी चीज बनाई है। क्या बात, जैसे आप देख लो कि 140-140 रुपए की जो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं ना, उससे ज्यादा बढ़िया ताकत आएगी इससे। बिल्कुल बढ़िया ताकत, बढ़िया ताकत आएगी। और इसके अंदर क्या क्या वैरायटीज डलने वाली है? इसके अंदर वैरायटी हो गया भाई साहब, देखिए एप्पल पड़ गया जी, उसके बाद बनाना पड़ रहा है जी, ये आ गया जी बनाना, एप्पल के बाद आ गया यहाँ पे बनाना। और भाई साहब ये जो सब वैरायटीज और आइटम यहाँ पे रखे हुए हैं ना, ये डलने वाले इस एक गिलास के अंदर, और ये गिलास के बाद रहने वाला मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा, और टेस्ट कैसा रहने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद क्या डलेगा पाजी? इसके बाद आएगा जी चिया सीड, जो कैल्शियम का भंडार है, हड्डियों को मजबूत करता है। कैल्शियम का भंडार हड्डियों को मजबूत कर ठंडक डलता है। इसके बाद आएगा जी हमारा गर्मियों का तोहफा कतीरा गूंद, ठंडी ठार बड़ा चमच भर के, ये बहुत फायदेमंद रहता है गर्मियों में बंदे के लिए, है ना? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके बाद आ गई रूह को सुकून देने वाला रूह अफजा, रूह को सुकून देने वाला बिल्कुल। इसके बाद आएगी जी हमारी मिल्क बादाम बोतल, सब चीजें बाद में। हाँ ये हमारी क्यों है, ये आप खुद बनाते हो? जी हाँ खुद बनाते, खुद बनाते हो? घर पे खुद बनाता हूँ घर। क्या बात है, बोतल दिखाओ। ऐसा बात नहीं, अभी कोई ऐसे वैसे नहीं की किसी से पकड़ के ले आए हम, अपनी घर की बोतल है, खुद तैयार की हुई है। क्या बात है भाई साहब, ये आप घर पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? घर पे मैन्युफैक्चर करते हैं जी, आप खुद तैयार करते हैं। कभी बोतल पे कोई टैग वगैरह नहीं देखा? कोई टैग नहीं होगा, इसके टैग लगाओगे ना लोग, अगर इसमें टैग लग जाए ना तो जो 40 की बोतल है ना लोग 150 रुपए में खरीदेंगे। अरे भाई, पर हम दे रहे हैं देसी चीज, सिर्फ 40 रुपए में बोतल, और शेक बनाकर आपको 60 रुपए में मिलेगा। क्या बात है, दिखाओ बना के। लो जी, इस बोतल में क्या क्या रहता है? इसमें सर मिल्क बादाम खोया जी, ठीक है जी जी, और इसमें जाएगा जी बादाम काजू जी, और अच्छा ये भी ड्राई फ्रूट से भरपूर रहता है। हाँ जी हाँ जी, ड्राई फ्रूट और स्पेशल दूध हमारा आता है। अगर ये खाली बंदा पीना चाहे यही खाली बंदा भी पी सकता है, खाली भी पी सकता है जी। क्या बात है, और तभी तो मैंने कहा ना कि अमृतसर के अंदर अगर शाही कूल पॉइंट आपको दिखे ना तो भाई वो यहीं पे हमें आपको बता दूंगा कहाँ पे आना पड़ेगा। ये बन के तैयार हो चुका? नहीं जी अभी नहीं तैयार हुआ जी, अभी और कुछ भी डलना है। अभी इसमें डलेगी हमारी टूटी फ्रूटी जेली, जेली। और भाई साहब ये गर्मियों के अंदर ये चीज पी जाए ना तो भाई रूह को सुकून तो मिलता है, क्योंकि वो इसमें जो रूह अफजा डलती है ना वो रूह को सुकून देती है। और पाजी के हाथ से बनी हुई जो ये बोतल है ना भाई, इसका जादू हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा रहने वाला है। इसके बाद फिर आएगा इसमें जी थोड़ा सा रूह अफजा। अच्छा ये आगे ऊपर से रंगत के लिए रूह अफजा, रूह अफजा है ना भैया? हाँ जी बिल्कुल। क्या बात है जी, ये हमारा मिल्क बादाम फ्रूट शेक है जी, बिल्कुल बन के तैयार है। और पाजी ये बता दो जाते जाते कि कितने का ये गिलास रहेगा? ये सर आपका गिलास रहेगा जी 60 रुपए का गिलास रहेगा। इसको मैं टेस्ट करके ना मैं जेन्युइन रिव्यू देता हूँ जनता को कि कैसा टेस्ट रहेगा इसका। ठीक है पवन भाई, भाई की पहली वीडियो मैंने की है, तो मैं अमृतसर को प्रमोट करता हूँ, जो नए नए लोग हैं, पुरानों के तो खाना मिल रहा है, हम नए लोगों को मौका देते हैं। पहली मैंने वीडियो आपकी बनाई, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद कैसा रिस्पॉन्स रहा? और हमारा पंजाबियों का बहुत बड़ा रिस्पॉन्स रहा है जी, और उम्मीद है भी आगे भी पंजाबी जो हमारे पंजाब का जो साथ देंगे जी और बहुत बढ़िया रहेगा। एक बात बोलो और, हाँ जी पंजाबियों का तो साथ मिल गया। हाँ जी, अब ये हमारा भाई कश्मीर से आया है, कश्मीर से है, कश्मीरियों का भी साथ मिलेगा जरूर, जो भी मेरा कश्मीरी भाई यहाँ से आएगा। और एड्रेस बता दो पाजी, कहाँ पे आना पड़ेगा? एड्रेस हमारा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के गेट के बिल्कुल ऑपोजिट ऑटो लगा हुआ है जी, सामने बोर्ड लगा हुआ खालसा मिल्क बादाम का जी, और दोपहर 2:30 बजे से जी 10 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ। तो भाई साहब आप बारी आती है जी इसको टेस्ट करने की, टेस्ट क्या ही करना है, मैंने जैसे बनता हुआ देखा ना, क्योंकि ये नेचुरल चीजें
इनका टेस्ट करके भी वैसा है, ना करके भी वैसा ही भाई, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें, ये कुदरती चीज़ें, टेस्ट जरूर करेंगे हम। मैं तो कहता हूँ पवन भाई, मेरी तो गर्मी छू मंतर होगी। कब आ रहे हो गर्मी को छू मंतर करवा रहे हो? पाजी के पास जल्दी से आ जाओ, एड्रेस बता दिया आपको, वीडियो को प्यार जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।